दोस्तों, अगर आप जियो सिम यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 3 जुलाई 2024 से जियो ने अपने रिचार्ज को महंगा कर दिया है। जो 239 का रिचार्ज था 1.5 GB 28 दिनों वाला, वह रिचार्ज अब 299 का कर दिया है। लेकिन पहले 239 के रिचार्ज पर हमें 4G 1.5 GB डेटा मिलता था और 5G वालों के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हमें 5G चलाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। 5G का सबसे छोटा पैक 349 रुपये का है। 349 पर ही हम अपना ट्रू 5G को चला पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताएंगे जिससे दोस्तों आप 199 का रिचार्ज करके अपने फोन में 5G अनलिमिटेड डेटा को चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो मैं बताऊंगा, इस वीडियो में आपको 199 के रिचार्ज पर 5G अनलिमिटेड डेटा आपको चलाने को मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, इस वीडियो में बताया हूँ वह सीक्रेट ट्रिक। अगर आप भी 199 में अगर 5G चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप डायरेक्टली 199 का रिचार्ज करते होंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी 5G देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 4G 1.5 GB डेटा 18 दिन के लिए मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 199 के रिचार्ज के बाद में एक ट्रिक लगाइएगा तो आपके फोन में 5G अनलिमिटेड डेटा चलेगा। पर कैसे चलेगा, उसके लिए हमारी इस वीडियो को देखना है और वीडियो को सीखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने फोन में माई जियो ऐप पे जाइएगा। अगर आपके फोन में माई जियो ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जैसे रिचार्ज पर क्लिक कीजिएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पॉपुलर प्लान है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 199 का रिचार्ज है जिसमें जियो 4G डेटा देता है 1.5 GB प्रतिदिन 18 दिनों के लिए, ठीक है। इस तरीके से नीचे बढ़ेंगे, एक रिचार्ज है 239 का जिसमें 1.5 GB मिलता है 4G 22 दिनों के लिए, और एक है 299 का 1.5 GB मिलता है 28 दिनों के लिए। यहाँ पे कोई भी 5G अनलिमिटेड डेटा आपको नहीं मिलता है। 5G के लिए यहाँ पे ट्रू 5G पर क्लिक करेंगे तो 5G डेटा 349, 399, 449 पर मिलता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि 199 के रिचार्ज पर आप 5G अनलिमिटेड डेटा को चला पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से बातों को समझिए। जैसे कि अगर आपके पास 5G का फोन है तो आप अपने फोन में 199 का रिचार्ज करा लीजिए। जैसे 199 का रिचार्ज अगर करा लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1.5 GB प्रतिदिन डेटा, वो भी 4G, 5G नहीं मिलता है। तो अब इसको 5G में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब आप यहां देखेंगे कि पॉपुलर प्लान 5G अनलिमिटेड प्लस के बाद, यहां पर ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान्स के बाद इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अब आपको एक न्यू सेटिंग आकर जुड़ गई है जो है ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड। इस पर आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिचार्ज आकर जुड़ा है जिसका रिचार्ज है 51 का। 51 का रिचार्ज अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड 5G मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, यहाँ व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले से आपका 1.5 GB प्रतिदिन वाला रिचार्ज होना चाहिए। यानी कि आपके नंबर पर 1.5 GB प्रतिदिन वाला रिचार्ज होना चाहिए, उसके बाद 51 का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। तो मैंने यहाँ क्या बताया था कि पहले आप 199 का रिचार्ज कीजिए और उसके बाद आप फिर 51 रुपये का उसी नंबर पर रिचार्ज कीजिए। 199 और 51 दोनों का रिचार्ज अगर आप कर लेते हैं तो आपके फ़ोन में जो 4G पहले चल रहा था वह 5G अनलिमिटेड डेटा में बदल जाएगा। तो जियो के अंदर में यही 51 का एक रिचार्ज आकर जुड़ गया है। जब आप माई जियो ऐप पे आएंगे, यहाँ पे ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो 51 का एक रिचार्ज आपको जुड़ गया है। व्यू डिटेल पे क्लिक कर आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपका प्लान 1.5 GB वाला है तो आपके फ़ोन में 4G चलता होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका प्लान
यहाँ पर देख सकते हैं कि 299 का है, तो आपके फ़ोन में 1.5 GB डेटा मिलता है डेली का और 4G चलता है। और जैसे ही दोस्तों आप इसको 51 रुपये का और रिचार्ज कर देंगे तो आपका जो 4G है वह 5G में बदल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे थे कि कैसे आप अपने फ़ोन में 199 के रिचार्ज पर 5G अनलिमिटेड डेटा को यूज करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले।